नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन। तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स का समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 58 क्वेश्चन है ना। इसमें बोला है बेटा, एक सॉलिड बॉडी रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है, ओमेगा इक्वल टू कितना दे दिया है, ए टी आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू दे दी है रेडियन पर सेकंड क्यूब में, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा है मॉडुलस पूछा है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का एंड एंगुलर एक्सीलरेशन का, टी इक्वल टू 10 सेकंड पर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन तो मतलब बहुत सारे बुक में ही मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करती हुई। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या पूछा है बेटा, ओमेगा पूछा है, ओमेगा का मॉड पूछा है। तो पहले ओमेगा निकाल लो 10 सेकंड पे कितना होगा, ए की वैल्यू कितना है 0.50, इसमें टी से मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस बी है 0.06, 0.06 में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो मॉड निकालना था ओमेगा का, तो सिंपल 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 25, 25 एंड 36, 25 एंड 36 कितना हो जाएगा, 36 और 5 41, 41 और 20 61, तो 61 का रूट लगभग कितना आ जाएगा, टी आटी 64, 8 के करीब आ जाएगा है ना। 61 का रूट मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, सिक्सटी वन का 7.81। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, 7.81, मतलब लगभग 8 आप मान सकते हो अगर रफली लिखना चाहो तो, है ना, 7.81 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है। और एंगुलर एक्सेलेशन पूछा है, तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया सिंपल, डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा को डिफरेंशिएट कर लो तो ये आ जाएगा ए आई कैप, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस ये होगा 2 बी टी है ना, टी स्क्वायर का 2 टी हो जाएगा इंटू जे कैप। बट आपको बताना है क्या, 10 सेकंड पे मॉडुलस बताना है। तो 10 सेकंड पे पहले अल्फा निकाल लो, ये हो गया 0.5, और बी टी करोगे तो हो जाएगा 0.6, 0.6 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1.2 जे कैप। तो मॉड निकाल लो, सिंपल है मॉड, ये आ जाएगा 0.25, बराबर है 44 से, 1.69, 1.69 का रूट 13, 13 का मतलब 1.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल था ये क्वेश्चन, देख सकते हो ना, पहला पार्ट का तो आंसर बहुत ही आसान था, वेक्टर का एप्लीकेशन है सिंपल। बी में क्या बोला है बेटा, एंगल निकालना है किसके बीच, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट का मतलब टी इक्वल टू 10 सेकंड पे, तो ये भी आसानी है ना, मतलब ये क्वेश्चन पूरे वेक्टर एप्लीकेशन पे बेस्ट है। आपको पता है एंगल कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू आपको पता है बेटा ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है सिंपली ए डॉट बी अपॉन ए बी, मॉड ए मॉड बी, ए बी का मतलब मॉड ए मॉड बी, और डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता है निकालना, तो डॉट प्रोडक्ट लेकिन यहाँ पे किसका, ओमेगा का एंड अल्फा का, वो भी कब का, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे, मतलब ये वाला और ये वाले का डॉट प्रोडक्ट करना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये कितना आ जाएगा, ओमेगा डॉट अल्फा अपॉन मॉड ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ अल्फा, मॉड तो ऑलरेडी आपने निकाल ही चुका हुआ है 10 सेकंड पर, बस डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × 0.25 तो ये आ जाएगा 2.5, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, इन दोनों को जोड़ दो, जे को जे के साथ करोगे तो 12×72 7.2, और दोनों को जोड़ दिया सिंपल, मॉड तो निकाला ये 7.81 आ गया, इंटू कितना आया बेटा इधर 1.3, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.2 है ना, ये हो जाएगा 7 और 7 × 2 = 9, 9.7 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा, 7.81 × 1.3,
ये आ गया 10.153, ये आ गया कितना 10.153। लेकिन ये कॉस थीटा की वैल्यू है, आपसे थीटा पूछा है, एंगल पूछा है दोनों के। थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली कॉस इनवर्स, और ये डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर का इसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि ये 9.7 डिवाइडेड बाई अगर आपने किया 10.153 0.955 की वैल्यू तो आप जानते भी नहीं है ना, या 0.955 होता भी नहीं है, तो कैलकुलेटर का हेल्प ही लेना पड़ेगा। इनवर्स इसका निकाल लेता हूँ बेटा कैलकुलेटर से ही, इनवर्स ये रेडियन में है ना, अंदर वाला पार्ट रेडियन में, तो मैं यहाँ रेडियन से कैलकुलेटर कर लेता हूँ, है ना, ये पूरा रेडियन में है ना, क्योंकि ये पूरा रेडियन में था, और तो कैलकुलेटर में जब भी आप निकाले तो ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये डिग्री में निकालोगे तो आंसर फिर गड़बड़ आ जाएगा, फिर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स निकाल रहा हूँ, तो लगभग कितना आ रहा है, ये 0.29, और ये रेडियन में आया है ना, मतलब 0.3 मान सकते हो इसको, रेडियन 0.3 रेडियन, और 0.3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे बेटा तो कितना आएगा, 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180/π करोगे, 180/π करोगे तो ये कितना आ जाएगा यार, इंटू 180 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई पाई, लगभग 17.17 डिग्री है ना, 17.17 डिग्री, मतलब 17 डिग्री के आसपास। अब देखो आप कैलकुलेटर में क्या मिस्टेक कर सकते थे, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि अगर इसको रेडियन करके डिग्री करके निकालता तो क्या होता, देख लो 0.955 को मैं अगर डिग्री करके निकालता कॉस इनवर्स तो देखो क्या आता, तब तो ये डायरेक्टली आ रहा है ना, मतलब ये सही आ रहा है फिर उस हिसाब से, लेकिन अंदर वाला तो यार रेडियन में है, ठीक है पता नहीं, यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल रहा है, बट फिर भी मैंने सेफ्टी बरता है ना, मतलब इट में भी हो सकता है कि सही है 17 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं और भी कुछ वेरीफाई कर लेता हूँ तो पता चल जाएगा, जैसे अंदर अगर मान लो 0.5 रखा, 0.5 का मतलब 1/2, तो कॉस में 1/2 कब होता है, कॉस में 1/2 होती है 60 डिग्री पे, तो आंसर 60 आना चाहिए। तो देख लेता हूँ मैं, 0.5 का कॉस इनवर्स कर लो, कॉस इनवर्स कर लो तो 60 आ रहा, तो सही है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 0.955 का कॉस इनवर्स डायरेक्ट कर लो तो उससे भी आंसर सेम आ रहा है 17.25 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं है ना, तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, 17 डिग्री हो गया, ये 8 हो गया लगभग दिया, एंड 1.3 दिया। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 के साथ।